सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल बिजनेस हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो उसको शॉर्ट में जो पुराना पढ़ा था वापस से मगअप करते हैं, रिवाइज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या था बेसिक इंटरनेशनल बिजनेस? आपकी बुक्स में क्लियर कट लिखा है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करना, मे बी परचेज कर रहे हैं, मे बी सेल कर रहे हैं, मे बी गुड्स और सर्विसेज। एयरटेल अगर दूसरी कंट्री में वर्क कर रहा है तो गुड्स नहीं सेल कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना। एसबीआई है, एयरटेल भी आपको मिलेगा फॉरेन कंट्री में, हर एक के टावर्स वगैरह उन्होंने सेटअप कर रखा है। सिंपल सी बात, पैसा कमाना है, सिंपल। ठीक है, आगे इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। बिल्कुल, दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस को हम ट्रेड कह सकते हैं, और ये थ्री टाइप्स का हो सकता है। ये भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट, जिसको ब्रैकेट में लिखा है री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स दूसरी कंट्री में गुड सेल आउट करना एक्सपोर्ट है, दूसरी कंट्री से परचेज करना इम्पोर्ट है, और दूसरी कंट्री से परचेज किया, वन कंट्री से परचेज करके अनदर कंट्री में सेल आउट किया, वो एंट्रीपोर्ट है। और हो सकता है ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप इंडिया हैं, इंडिया के हैं आप, आपने मे बी अमेरिका से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, रॉ मटेरियल, और उसको कुछ बनाया, प्रोसीड फर्दर, उसके अंदर कुछ और वर्कआउट किया और उसको दूसरी कंट्री को, सिंगापुर को, दुबई को सेल आउट कर दिया, या डायरेक्ट परचेज करके दूसरी कंट्री को सप्लाई कर दिया, वो एंट्रीपोर्ट। ठीक है ना, प्रैक्टिकल आप और इसकी नॉलेज ले सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, नेचर क्या है? सबसे पहले इसके अंदर हमने बात, केवल दो ही पॉइंट्स थे। नंबर वन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। ऑफ कोर्स, जब तक दो कंट्री इन्वॉल्व नहीं होंगी तो इंटरनेशनल बिजनेस होगा कैसे? सिंपल सी बात। और नंबर टू, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अगर आप गुड्स परचेज या सेल कुछ डील करते हैं दूसरी कंट्री के साथ तो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे हमने बात की थी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। नंबर वन प्रॉब्लम आती है लीगल प्रोसीजर, बहुत टिपिकल प्रोसीजर है, इजिली आप ये वर्क नहीं कर सकते। कई सारे आपको पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल, लाइसेंसिंग एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और लीगल तो सबसे ज्यादा, आप इस कंट्री के दूसरी कंट्री में बिजनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो लॉन्ग टर्म तक एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चलता रहेगा, चांसेस है, लेकिन उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। लीगल प्रोसीजर है काफी सारे, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस, कई कंट्रीज में अलग अलग टाइप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है कि आप ये चीज यहाँ सेल आउट नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर थ्री, हाई रिस्क है, करेंसी चेंज हो जाती है कभी कभी, रस्ते में गुड्स खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आप सोचिए इंडिया के, इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी क्वाइट कंफर्टेबल है, आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक गुड्स प्रोवाइड इजिली कर पाएंगे। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर बीकानेर में कार का शोरूम है तो कार या कहीं बाइक्स है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होती, कोई चेन्नई में होती है, कोई महाराष्ट्र में होती है, वहां से यहाँ तक अलग अलग लोकेशन तक आती है, फिर भी रिस्क कुछ कम है। अगर आप फॉरेन कंट्री में डील कर रहे हैं तो रिस्क ऑब्वियसली कुछ ज्यादा है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो रिस्क तो है डेफिनेटली। उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर एक कंट्री की अपनी यूनिक लैंग्वेज है, तो अगर आप वहां पे बिजनेस करना चाह रहे हो किसी कंट्री के साथ तो यू शुड हैव कमांड ओवर दैट लैंग्वेज, या आपके पास ऐसे अंडर में सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए जो वहां पर क्या कर सके, डील कर सके आपके साथ। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी भी होनी चाहिए। लिखा है इसके अंदर फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन करेंसी विच इन्वॉल्व लेंथी प्रोसीजर। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम प्रैक्टिकल समझे कि आप दुबई से कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, इट मीन्स इम्पोर्ट होगा, दूसरी कंट्री से खरीदने को क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट, तो आपको पेमेंट दुबई की करेंसी में करना पड़ेगा, सीधी सी बात, एंड इट इज नॉट इजी, सिंपल। आगे चलिए, आगे आपकी बुक में एक डायग्राम है और ये आप ही को करना है, डेफिनेटली अच्छा डायग्राम है नॉलेज के हिसाब से, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होगा बेटा, एक बात बताओ, विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया के आप हैं, इंडिया के अंदर अंदर आप अगर बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरनल ट्रेड, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वेदर यू बिलोंग टू एनी कंट्री, अपने ही कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं इंटरनल, दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या करेंसी का प्रॉब्लम आएगा क्या? नो टेंशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकता है। क्या स्पेशल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस
इंपोर्ट इंटरनल ट्रेड में चाहिए होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? नहीं सर, विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। वेयरएज अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल बिजनेस कर रहे हैं, वहां हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारी पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा। सिंपल सी बात, इंडिया के इंडिया में आप कुछ भी करते हो ना चलता है, फॉरेन कंट्री में ऐसा थोड़ी ना कर सकते। आप सोचिए, पापड़ बेचना है यहाँ पे, इतने सारे यहाँ पर सिटी के अंदर लोग हैं, फीमेल्स भी वर्क करती हैं एज ए SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में, पूरे बीकानेर में इधर उधर सप्लाई हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। बट क्या वो काम वो फॉरेन के लिए कर सकते हैं? इट्स नॉट ईजी बेटा, है तो मैंने क्या बट हाँ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ईजी। बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा बेटा, तब जाकर आप कर सकते हैं। करते तो है, कई लोग करते हैं बेटा, बट वो काफी लेंदी प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशंस लाइसेंसिंग प्रॉपर ब्रांडिंग सारी चीजें, क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा, पता चले आप कोई कंट्री क्यों आपको गुड्स परचेज करने के लिए एक्सेप्ट करेगा जब तक उसको प्रॉपर क्वालिटी वाली चीज नहीं मिलेगी विद ऑथेंटिकेशन मार्क ISI। और मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया है, आप जो ईटेबल्स होते हैं उसके पीछे देखना FSSCAI से आपको एक नाम दिखेगा, उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। मेरे सामने 12th में बिजनेस का भी प्रैक्टिकल होता है वाइवा, और एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है कि बताओ FSSCAI क्या लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म बताओ। तो उस टाइम आप यूं एक्सक्यूज करेंगे ना, मार्क्स कट जाएंगे। 20 मार्क्स का होता है बेटा 12th क्लास में, ठीक है, इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी बुक में जो एक मेन हेडिंग है वो है रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। आखिर क्या रीजंस है? नंबर वन, द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड। कोई भी कंट्री सारी चीजें एकदम बराबर दी बेस्ट और वो भी मिनिमम रेट में हो सकता है ना बना सके। सिंपल सी बात है, कई चीजें ऐसी हैं हमारी कंट्री की जो हम चीप रेट पे बना लेते हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री वो चीप रेट पे बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइनीज मोबाइल या कितनी ऐसी चीजें हैं जो चाइनीज पहले इतनी चाइनीज लाइट्स कह सकते हैं आप, कितना कम रेट में आपको है ना, कितनी सारी चीजें हैं बेटा। तो वो हो सकता है हमारी कंट्री इतना अच्छे से नहीं बना पाती जितना चाइना बना सकता है। तो बात तो सही है, पहला पॉइंट एकदम करेक्ट लिखा है, द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल That they need। और हमारी कंट्री में हमें भी पता है पॉवर्टी काफी ज्यादा है, भले ठीक है परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज हुई है, बट फिर भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि पॉवर्टी कम है, बहुत अच्छी खासी पॉवर्टी इंडिया में है। तो इंडिया में लोगों को क्या चाहिए? सस्ता प्रोडक्ट, काम चल जाए, सीधी सी बात, तभी मार्केट में आपको लोकल आईफोन भी मिल जाएगा 4-5 हजार का, पीछे एप्पल भी बना होगा, मिलता है लोकल, लोग खुश हो जाते हैं, चलो भाई ठीक है हम वो एप्पल नहीं खरीद सकते तो ये वाला खरीद लेते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन वो चाइनीज ही होगा, वो इंडिया वाला आई डोंट नो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस वो आपको, अरे जहां पे भी होता है, भावनाओं को समझिए, भावनाएं क्या कह रही हैं, इमोशंस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए कि कोई भी कंट्री इक्वली दी बेस्ट प्रोडक्ट वो भी कम रेट में सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकती, आपको मानना होगा ये बात। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में सस्ते बनते हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री में सही रेट पे बनते हैं, कम रेट्स पे मिलते हैं, सिंपल सी बात। सेकंड, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। क्या सभी कंट्रीज के पास सफिशियंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, एक बात बताइए? नहीं सर, किसी कंट्री में ज्यादा है तो किसी में कम है, हर एक के पास अपने अपने क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं आई थिंक, इंग्लिश हिंदी दोनों में पता आपको, राइट? जो रिसोर्सेज है नेचुरल वो हर एक कंट्री के पास बराबर नहीं है, इसलिए कुछ चीजें हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं और कुछ चीजें दूसरी कंट्री हमसे परचेज करती है, तभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चलता है, काम चल जाता है अच्छा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड लेबर कैपिटल एंड रॉ मटेरियल डिफर अमंग डिफरेंट नेशंस। कितने सारी चीजें बेटा, आप जरा सोचिए, लैंड लेबर कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। लेबर स्पेशली अगर हम बात करें, इंडिया के जो लोग हैं कहते हैं काफी कम रेट्स में दे आर रेडी टू मूव ऑन टू एनी अदर कंट्री, और ऐसा होता है बेटा सच में, ये चीज तो मैंने पर्सनली देखी है कि यहाँ के बहुत सारे जो इलिटरेट लोग हैं नहीं पढ़ पाए एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज बट एज अ लेबर दे गेट गुड सैलरीज। गुड सैलरी मीन्स उनके हिसाब से गुड सैलरी, $1,000-$2,000 उनको मिलता है महीने का, पूरा दिन भर उनकी ऐसी तैसी होती है, पूरा शोषण,
Like, अगर एक ह्यूमन बींग के लिए 8 hours डिसाइडेड है तो उनसे वो 16-16 घंटे काम कराते हैं, उनको खाना वाना प्रोवाइड कर देते हैं और महीने के एंड में $2,000 सैलरी मैक्सिमम। और वो लोग क्या करते हैं, वो पैसा हिंदुस्तान में अपने इंडिया कंट्री के अंदर भेजते हैं, काम निकल जाता है। तो कई कंट्रीज के अंदर लैंड सस्ती है, कहीं के अंदर लेबर सस्ती है, इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ये बात सच है जो मैंने आपसे लेबर की बात कही है, फॉरेन कंट्रीज में लेबर रेट बहुत हाई है, इसलिए इंडिया, बांग्लादेश और ऐसे कई कंट्रीज हैं वहां पर लेबर वहां से पिक किया जाता है, क्योंकि इनको हम कम पेमेंट पे ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। आगे आइए, नेक्स्ट डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। अब कई सारे पैरामीटर्स हैं, कहीं पर पॉलिटिक्स कम ज्यादा, कहीं पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम है ज्यादा, इसलिए भी इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, ताकि जहां पर जो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर सके। अब कहीं पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता जिसके लिए रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दिमाग लगाइए। और कहीं पर बारिश कम होती है तो वहां पर कुछ चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से हो सकता है। आप सोचिए, कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर ये रेनफॉल एंड ऑल वेदर की प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं बना सकते, तो वो इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री से और दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो ये सारे पैरामीटर्स इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं कि यस, देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री व्हिच इज इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। कोई भी ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है जो 100% कह सके आप कि इसके पास सारे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी लोअर कॉस्ट पे। कहां से पॉसिबल है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ए कंट्री के पास सस्ते मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बी कंट्री में सस्ते बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो सी कंट्री में, तो वो आपस में क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। चॉकलेट्स कहते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी वहां पे चॉकलेट्स बहुत सस्ती मिलती हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी जहां पे मोबाइल फोन सस्ते मिलते हैं। जब भी कई बार होता है कि हाँ, हमारा रिलेटिव अमेरिका गया, दुबई गया, वहां गया, वहां से मोबाइल काफी कम रेट पे ले आए, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है कम हो, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ ज्यादा। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट तो 100% प्रैक्टिकल है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसपे सारे प्रोडक्ट्स सस्ते रेट पे बने, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। किसी कंट्री में ए प्रोडक्ट सस्ता तो किसी कंट्री में बी प्रोडक्ट सस्ता, सिंपल। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड्स इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दोज सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड प्रोक्यूरिंग रेस्ट थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो हर एक कंट्री क्या करती है बेटा, जो प्रोडक्ट्स खुद बना सकती है वो खुद बनाएगी, जिसपे हमारी कमांड हो अच्छी, जिसपे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, जिसपे एक्सपेंसेस कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, रेस्ट जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है उसको फिर वो कंट्री क्या करेगा, दूसरी कंट्री से बाय करेगा, सीधी सी बात। तभी तो इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, सिंपल सी बात, समझ रहे हैं बात। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बेटा जो सिंगापुर स्पेशली ये चेन्नई से वहां पे रेगुलर एक्सपोर्ट होता है, पता है आपको, क्योंकि सिंगापुर में मैक्सिमम चेन्नई वाले लोग ज्यादा रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं बहुत सारे वहां पे सिंगापुर में, और वहां से शिप के थ्रू ट्रेडिंग चलती है, जो भी है फिशेज हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं ना, तो उनको लगता है ठीक है यहाँ पर कॉस्ट कम आ रही है, तो यहाँ से वो प्रोडक्शन उनका इधर उधर चलता रहता है, इंटरनेशनल बिजनेस, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कह रही है, एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड्स इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दो सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड रेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से बिजनेस करते हैं, which the other countries can produce at the lower cost. This is the main reason why countries trade with each other and engage in international business. Okay? Iske baad, jo next heading aapko dikh raha hai. बुक होनी चाहिए बेटा आप सबके पास, थोड़ा सा बात ही है, और ये भी कोविड का भी चल रहा है। सच में इंडिया के लोग, आपको पता है पॉलिटिक्स एंड ऑल ऐसी, कल को भी सच में कोई आ गया ना, फिर वो मैं भी जाऊंगा। जैसे ये भी गलत है कि आई शुड ऑल्सो हैव मास्क, क्या करें बताओ, हमारे यहाँ अलग हिसाब किताब चलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस, देख लो प्लीज देख लो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ थोड़ा सा, फिर आएंगे कभी हम, ठीक है। तो आरएसपी नहीं, तो आरएसपी तो टीचर को भी सुना देते हैं, तुम्हें कल नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, अरे यार क्या हो गया पढ़ रहे हो, तो
बट बुक तो होनी चाहिए, बात तो एग्री करनी पड़ेगी आपको। इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, नेक्स्ट हेडिंग, वापस से टॉपिक पर आ रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। कंडक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द डोमेस्टिक बिजनेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट। बात सही है सर, अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें काफी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, कल्चरल। सिंपल सी बात, हर एक कंट्री के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पैरामीटर्स है। टू बी सक्सेसफुल वी हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट फॉरेन मार्केट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अगर आप फॉरेन मार्केट में, फॉरेन कंट्री में डील कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली अपना मार्केटिंग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, या ठीक है अभी आप छोटे हैं, कई ऐसी चीजें, मान लो फॉरेन कंट्री में कुछ वर्ड्स ऐसे इंग्लिश के जिसका मीनिंग इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी में कुछ अलग सा ही है। ये बात ऐसे हमने कई बार एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने देखा भी, आई थिंक एक कंट्री के अंदर एक कॉलेज का नाम था कुत्ता, KUCCA। हाँ हाँ सच में कह रहा हूँ, कुत्ता कॉलेज का नाम है, KUCCA। तब सोचो आप उसकी मार्केटिंग अगर इंडिया में करोगे, क्या आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे, जा बेटा जा उस कुत्ता कॉलेज में जा, KUCCA। सो कई कंट्रीज में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, और अगर आप मार्केटिंग करें तो और भी ज्यादा ध्यान से। वही बात जो मैकडी का मैंने आपको बताया, डबल चीज बर्गर इज वन, यू नो, आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा, ये देगा वो देगा, ऐसा कुछ हुआ रहा है, वो पता चले इंडिया के अकॉर्डिंग वो डबल चीज मतलब क्या है, बीफ उसके अंदर डला है, वो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली इफ यू आर इन इंटरनेशनल बिजनेस, आपको बहुत सोच समझ के मार्केटिंग करनी है, वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, यहाँ का सब कुछ ध्यान, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, द की एरियाज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। सुन लो बेटा, द की एरियाज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या क्या मेन एरियाज है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यार डिफरेंसेस आ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। नंबर वन, नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डेफिनेटली ये आपको ध्यान में रखना होगा। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर ऑफ द सेम नेशनैलिटी, वेयर एज इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दोनों क्या होंगे, अलग अलग देशों से अलग अलग नेशनैलिटी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नंबर टू, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स आर एम्प्लॉयज, सप्लायर, शेयर होल्डर्स, पार्टीज, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा हु इंटरैक्ट विद बिजनेस फर्म्स। इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस सारे के सारे लोग एक ही कंट्री से होंगे, एक ही लैंग्वेज होगी, एक ही जैसा बिहेवियरल पैटर्न होगा, सबका ऑलमोस्ट सीन एक जैसा होगा। वेयर एज इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज कुछ और, सामने वाले की लैंग्वेज कुछ और, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट में आइए बेटा, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चलिए चलिए पढ़ते हैं। द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली मोर इन केस ऑफ डोमेस्टिक फर्म एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, ऑल ऑफ यू, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। यस लक्ष्य, ये कह रहे हैं द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली मोर, अगर आप डोमेस्टिक में है एक ही कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो इजिली प्रोडक्शन और सप्लाई एंड ऑल कर सकते हैं, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस में इतना इजी नहीं होगा क्योंकि फॉरेन कंट्री में गुड्स सप्लाई करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, वहां पहुंचाना इज नॉट अ इजी टास्क, सिंपल है। नेक्स्ट, कस्टमर हेट्रोजीनिटी अक्रॉस मार्केट्स ड्यू टू सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, बैकग्राउंड हर एक का वहां पर टेस्ट किया है, फैशन किया है, लैंग्वेज किया है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं। आप समझिए इस चीज को, आप लोकल कंट्री के हिसाब से जो सोच रहे हैं वो एक अलग पैटर्न है, इंटरनेशनल के हिसाब से काम कर रहे हैं वो एक अलग पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पीपल यूज राइट हैंड ड्राइवन कार, सही लिखा है, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, इंडियन पीपल कौन से कार चलाते हैं इसमें राइट साइड पे स्टीयरिंग, वेयर एज अमेरिकन पीपल में क्या होता है,
कितना अच्छा एग्जांपल, जो भी होते हैं भाई ये बात तो सही है, क्या लेफ्टी होते हैं। In America, people change their consumer durable in every 2 to 3 years, whereas in India, ये देखो कितना अच्छा example दिया है। America में consumer durable जो normal चीजें हैं, वो 2 से 3 साल में change कर लेते हैं। India वाले जब तक खराब ना हो जाए, अब पूछते हैं, अपन पता करते हैं बेटा। Next, difference in business system and practices. Next है political system and risk. Then business की क्या regulations and policies हैं? करेंसी कौन सी यूज हो रही है? नेक्स्ट 5 to 8 points मैंने आपको शॉर्ट में रीड कर दिए, अब आप घर पे इसको रीड आउट कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट पर्सनली आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है बच्चों? ओके, रिमेनिंग इस चैप्टर का एक पेज और बचा है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।